अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ना कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला। पीड़ित पत्नी न्याय की गुहार लगाने पहुंची महिला थाना। महिला थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला किया दर्ज। ये मामला है गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सलेमपुर का। वहीं इस संदर्भ में पीड़िता ज्योति कुमारी ने बताया कि मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से आकाश मिश्रा पिता दीपू मिश्रा के पुत्र के साथ हुआ था। आकाश मिश्रा नवादा जिले के सिरदलहा थाना क्षेत्र के परतापुर का रहने वाला है। मेरी शादी 20 मार्च 2022 को हुआ था। मेरी शादी में मां ने दहेज में 6 लाख रुपए नकद एवं एक मोटरसाइकिल तथा घर का पूरा सामान दिया था। पीड़िता ने यह भी बताया कि शादी के बाद मेरे पति मेरे साथ हमेशा मारपीट करते थे, यहां तक कि केरोसिन तेल छिड़क कर जान से मारने की कोशिश भी किया और मेरे ससुर भी मेरे साथ मारपीट कर मेरे सिर पर बंदूक रखकर जान से मारने की धमकी भी देते थे और कहते थे कि तुम अपनी माँ से पैसा मांग कर लाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने यह भी बताया कि मेरे पति और ससुर एवं पूरे ससुराल के परिवार के द्वारा हमेशा पैसा की मांग की जाती है, नहीं पैसा लाने पर मेरे साथ हमेशा मारपीट किया जाता है। पीड़िता ने यह भी बताया कि मैं 1 महीने की गर्भवती हूँ, उसके बाद भी मेरे ससुराल वाले मारपीट कर घर से निकाल दिया। मैं तंग आकर इसकी सूचना महिला थाने को दी है। महिला थाना पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस संदर्भ में महिला थाना की प्रभारी रवि रंजना कुमारी ने बताया कि पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया, जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। 19 तारीख में शादी हुआ था, जैन से वजह से मारपीट करता है और गाड़ी लगता है, तुमको हम नहीं रखेंगे। और घर से बोलता है पैसा लेके आओ, घर से बाबा भेजता है रानी के लिए मायके से पैसा, और 1 महीना डिलीवरी भी है और बोलता है कि नहीं तुमको नहीं रखेंगे। घर के साथ शादी हुआ था, आकाश सिंह के साथ। कहाँ हुआ था? अम्मा ससुराल हुआ, अम्मा रजौली, यहाँ परतापुर थाना हुआ। अच्छा, कब शादी हुई थी? शादी हुआ था बच्चे बताया मार्च में। मार्च में कितना तारीख है? 19 तारीख। क्या बोलता है? क्या बोलता है? तुमको नहीं रखेंगे, रखेंगे एक शर्त पे, जाओ घर पैसा लेके आओ तब रखेंगे, और सब दहेज वो सब कुछ ले लिया, और सरसा में सब छीन लिया, भगा दिया घर से मारपीट के, और रोड पे मार के बिक दिया था। तब तो मम्मी का भैया फ़ोन किए तो जाके लेकर आए थे, भी वहाँ से आ थे फर्स्ट थाना में गए। तब फर्स्ट थाना बोला कि जाइए पर वहाँ चेकअप लगाइए, उसके बाद कुछ करेंगे। हम फर्स्ट थाना कुछ नहीं किए। फिर कहाँ गए केस करने के लिए? हम चाहते वही कि मेरा हस्बैंड साथ में रहे, मैं ससुराल नहीं जाएंगे, ना मायके जाएंगे ना ससुराल जाएंगे, हम रहेंगे टेंट पे और यहीं पर रहेंगे। क्या नाम था? मेरा हस्बैंड का आकाश मिश्रा। तुम्हारा? बाबू हम शादी ब्याह बच्ची के किए, बहुत मुश्किल से हम शादी करें, हम नहीं करे कर रहे थे। हम बोले कि हमारा बेटी के माथा में चोट लगा हुआ है, अभी हम शादी नहीं करेंगे, हम देख लेंगे बेटी अच्छा से हो जाएगा, बढ़िया तरह से हमारा बेटी ठीक हो जाएगा तो हम शादी करेंगे। वो भी कही कि नहीं हम शादी हम जब करवे करिए, हम मेरा बहू रहेगी हम दिखाएंगे। हम 6 लाख रुपये तिलक दिए, प्लस में गाड़ी दिए और सारी सामान जो बेटी को होता है से हम दिए। कारण क्या है? क्या कारण? इसमें कुछ नहीं है, रेंट में रहता था वो, रहने वाला है परतापुर का, सिरदला थाना उसका है, और रहने लगा रेंट में, मकान के रेंट में, हम शादी नहीं करेंगे। क्या कारण है कि आप रेंट में रह रहे हैं? तो नहीं, हम लोगों को गोदियम विवाद है, सब वहाँ से शादी नहीं करेंगे, हम रेंट पर से करेंगे। सोचे कि चले भाई शादी रेंट पर से हम भी किए हैं, दो पुतों बस आए हैं, रख ले भी हैं। वो का काम की इसकी जब जाए तब मारपीट इसको करे, फ़ोन करे मांगे 10,000 रुपया दे, मांगे 10,000 रुपया दे। कहे ले बेटा तो हमारा दवाई लगी, 10,000 रुपया भी हम दे दें, फिर भी बोले कि हम दवाई नहीं करा देंगे, दवाई तुम्हारा माँ करा देगी। फिर हम ये 16 तारीख की इसको दवा 2,000 के हम लक्ष्मी नारायण से लेकर दवा इसको हम दे दिए, दे दिए दवा कि चलो भाई कसुम बेटी बसे, अभी बच्चा है, बेटी को बसाना हमको काम है। हम बेटी को फिर भी दवा लेकर के इसको हम दवा जा करके मानपुर पहुँचा लाए, पहुँचा करके चले हैं तो गाड़ी देने लगा
मेरा समझी पीछे में हमारा बेटी बोली कि जो हमारा माँ दबा भी पहुँचा रहे आई और तुम गाड़ी कहे बकरी है मेरा माँ के। कारण क्या है, क्यों नहीं रखना चाहता था बेटी? क्या चाहता है कारण? इसको कुछ नहीं है बाबू, हमारा बच्ची नौहीन है, बुद्धि ज्ञान है नहीं इसका पास, ये अभी बसे के लायक है भी नहीं, जबरदस्ती शादी ब्याह करवाई से वो रुपया मांगती है बेरी बेरी की नहरा से मांग के पैसा लगा। कितना पैसा का डिमांड कर दिया? अभी डिमांड कर दिया 1,30,000 फिर। किस लिए? कि तब तुमको रखेंगे। अच्छा। हाँ। कब शादी किए थे और किनके साथ किए थे? हम आकाश मिश्रा के साथ शादी किए थे, बाप का नाम उसको दीपू मिश्रा है और बेटी को हम शादी किए 20 तारीख का। अभी मतलब क्या ये हम पढ़ा लिखा नहीं है बाबू, अनपढ़ आदमी है, हम 20 तारीख को शादी किए फागुन में। अच्छा। हाँ 19 के इन्नीस साल इन साल तो फिर बच्ची एक दो महीना तो हो ही रहा। तो क्या बच्ची प्रेग्नेंट है क्या? हाँ 1 महीना के है प्रेग्नेंट। हाँ क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि हमारा बेटी को कैसे बसा दिया जाए, हमारा दामाद बेटी एक तरह रहे, ना नहरा रहे ना ससुराल रहे, ये अपना रेंट पर रहे, ये इसको एक आग मुठ्ठी जाकर जमीन कहीं पर ही आदमी लेवा देंगे अपना रहेगा। पुलिस के पास गए थे? हाँ पुलिस के पास हम मुफसिल गए, इसको बेहोशी में ला करके लेके गए बेहोशी हालत में, तो थाना वो बोला मुफसिल कि इसे जाइए पहले इसको जान बचाइए, ठीक है उसका बाद हम केस लेंगे। हम जान बचाएँ ले गए, भर्ती किए, अच्छा किए बेटी को, अच्छा कर करके फिर लाए, फिर हम थाना गए, थाना पुलिस की जाइए हमारा पास तो लखन केस है, हम केस नहीं ले सकते हैं, से आप हमारा केस में लेट होगा, से आप चले जाइए महिला थाना। महिला थाना गए हम, महिला थाना जाकर के वही अभी सूचना दे करके हम आए हुए हैं, 10 तारीख के हमको फिर महिला बुलाएंगे, 10 तारीख के हम जाएंगे। आश्वासन क्या मिला वहाँ? वहाँ बोला कि हम बुला करके दोनों पार्टी से पहले फैसला पूछेंगे, अगर ठीक है रखेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर मारपीट भी कर दो। हाँ मारपीट रड़ से मारा, छुरा से मारा, इसको ससुर गर्दन में छुरा रखता है, रिवाल्वर सटा देता है। क्या नाम? हमारा नाम मनचंद देवी हुआ। कहाँ रहती हैं? हम तो सलेमपुर रहते हैं सर, मेरा मकान सलेमपुर है।